नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के भाग का फैसला कल। मतगणना स्थल का कलेक्टर व एसपी ने किया निरीक्षण। बता दें कि नगर निगम चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले मतगणना स्थल पर किया गया डेमो। प्रदेश सहित रीवा में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना 20 जुलाई यानी कल होगी। 20 जुलाई को होने वाली मतगणना में रीवा के महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के जीत हार को लेकर लगाए जा रहे कयास पर विराम लगाते हुए उनके भाग्य का फैसला होगा। बता दें कि रीवा में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, जिसके लिए आज कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने पॉलीटेक्निक कॉलेज में होने वाले मतगणना स्थल का जायजा लेते हुए मतगणना का डेमो कराया है। दरअसल रीवा नगर निगम चुनाव की मतगणना से पूर्व आज पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतगणना संबंधी डेमो किया गया। कलेक्टर, एसपी सहित एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतगणना के ठीक एक दिन पूर्व डेमो करके सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम के महापौर एवं पार्षद प्रत्याशियों के लिए हुए चुनाव की कल मतगणना होनी है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि मतगणना का कार्य के लिए सुबह 9:45 बजे पर स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जिसमें दर्जन भर से अधिक सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल ईवीएम मशीन को लाया जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर लिए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर मीडिया के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था की गई है और समय समय पर कवरेज के लिए भी छूट दी गई है। मीडिया के अतिरिक्त किसी भी मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक प्रत्याशी के एक ही व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि 5 राउंड में मतगणना का कार्य पूरा होगा, ये बात रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने स्वयं कही है। प्रस्तुत है कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये मतगणना कल सुबह होनी है, 9 बजे से शुरू होगा। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उन सभी को 7 बजे यहाँ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी पार्किंग इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 4 से होगी और अंदर से ही एक ओपनिंग दिया गया है, जिस ओपनिंग से वो आके अपने जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर बैठ जाएंगे। जो मीडिया के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, एजेंट्स हैं, अभिकर्ता है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी का इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 1 और 2 पे एंट्री है। वहीं पे पार्किंग उनकी नियत की गई है और पॉलिटेक्निक के गेट नंबर 2 से उनकी एंट्री होनी है। रूट सभी के फिक्स किए हुए हैं और उस रूट पर प्रॉपर फ्रिस्किंग करके उन लोगों की एंट्री होगी। मीडिया कक्ष जो बनाया गया है वहाँ तक मीडिया के मोबाइल अलाउड रहेंगे, इसके अलावा अन्य किसी के भी मोबाइल परिसर में अलाउड नहीं रहेंगे। अगर वो मोबाइल लेके यहाँ आएंगे तो उन्हें बाहर ही जमा करना पड़ेगा। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ईवीएम का जो लाइन है उसको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। जब ईवीएम का मूवमेंट होगा तो ईवीएम के स्ट्रांग रूम से और उस कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था के दौरान केवल वही लोग रहेंगे जिन्हें ईवीएम की मूवमेंट में लगाया गया है। 9:45 बजे के आसपास स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम की गणना का काम शुरू किया जाएगा। कितने चरणों में ये 5 चरणों में ये काउंटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि 45 टेबल हमने लगाए हैं 45 वार्ड के लिए और 232 मतदान केंद्र है, तो लगभग 5 राउंड में ये पूरी मतगणना कंप्लीट हो जाएगी। रीवा में बिक रहा था कैस्ट्रोल का नकली इंजन ऑयल। दिल्ली से आए कंपनी के ऑफिसर ने पुलिस के साथ की छापेमारी। बता दें कि लोकल स्तर पर पैकिंग कर कैस्ट्रोल के नाम से बाजार में की जा रही थी बिक्री। बाइकों के इंजन में पड़ने वाले ऑयल इंजन की जान होता है। अच्छे क्वालिटी के इंजन ऑयल से बाइक का माइलेज और पिकअप दोनों ही सही रहता है, लेकिन अगर इसी इंजन में खराब और घटिया ऑयल डाल दिया जाए तो बाइकों का माइलेज और पिकअप के साथ इंजन की क्षमता भी खत्म होने लगती है। दरअसल कुछ ऐसा ही घटिया और खराब इंजन ऑयल देश की नामी ऑयल कंपनी कैस्ट्रोल के नाम से रीवा में बेचा जा रहा था। आज दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम रीवा पहुंची, जहां कंपनी के सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने रीवा पुलिस के साथ मिलकर नकली इंजन ऑयल बेचने वाली दुकानों में छापामार कार्रवाई की है। पुलिस और कंपनी के ऑफिसर ने कई दुकानों में दबिश देने के साथ साथ शहर के नामी और प्रतिष्ठित व्यापारी लुकमान साइकिल स्टोर में भी दबिश दी, जहां से 90 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया है।
कार्रवाई के संबंध में दिल्ली से आए कैस्ट्रॉल कंपनी के सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में कैस्ट्रॉल कंपनी के नाम पर नकली इंजन ऑयल बेचे जाने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। लोकल स्तर पर मिली शिकायतों के बाद आज कंपनी की ओर से उन्हें रीवा भेजा गया और SP रौनीत वसीन के निर्देश पर विश्वविद्यालय पुलिस ने शहर की दुकानों में छापामार कार्रवाई की है। बताया गया कि कई दुकानों में दबिश देने के बाद जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा लुकमान साइकिल स्टोर नाम की दुकान से ऑयल खरीदा गया है, जिसके बाद टीम लुकमान साइकिल स्टोर में पहुंची और वहां से इंजन ऑयल के 90 डिब्बे जब्त किए गए हैं। बताया गया कि जब्त किए गए इंजन ऑयल में नकली स्टिकर, नकली कैप डिब्बे के रंग में फर्क पाया गया, इसके साथ ही बारकोड भी नकली पाया गया है। फिलहाल पुलिस और कंपनी के अधिकारी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये नकली इंजन ऑयल कहां से लाया जा रहा है और इसे कहां तैयार किया जा रहा है। प्रस्तुत है कैस्ट्रॉल कंपनी के सीनियर इन्वेस्टिगेटर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये कैस्ट्रॉल कंपनी से शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई हुई है, क्या मामला क्या था? इस मार्केट का बहुत पहले से शिकायत हम लोगों को मिल रहा था, करीब अक्टूबर नवंबर से, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नकली माल बेचा जा रहा है कैस्ट्रॉल के नाम पे। अब यहाँ पे बेचा जा रहा है नकली स्टिकर, नकली कैप लगा के, देखने में जो हूबहू कैस्ट्रॉल की तरह ओरिजिनल लगता है, लेकिन इसको पहचान के हम लोग फिर ये पुलिस कार्रवाई की है, जहाँ जहाँ भी माल मिला है थाने पे ला गया। एक जगह से तो करीब 90 पीस के ऊपर होगा माल, बाकी छोटे छोटे दुकानदार थे, वही लोग बताए हैं कि लुकमान करके कोई यहाँ का सबसे फेमस लुकमान साइकिल, वही सबसे मेन है यहाँ के, तो पुलिस टीम वहाँ भी गई थी, वहाँ से भी माल उठा के लाए हम लोग। सर, आप किस पद पे हैं कस्टमर कंपनी में? सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अभी और भी कई जगह छापेमारी चल रही है जी, आपके ये बगल में सिविल लाइन थाना है, वहाँ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, वहाँ से ही कुछ माल बरामद हुआ? अभी तो वो हमको पता नहीं, हम गए नहीं हैं वहाँ। सर, ये तो आज की बात निरंतर दिखता आया है, हम लोगों के बीच में भी से ये बात आई थी कि कस्टाइल का ऑयल बहुत सस्ते में एक जगह बिक रहा, बस स्टैंड में कई जगह बिक रहा, तो ये अचानक अभी कार्रवाई क्यों हुई? मतलब हमेशा से ऐसा हो रहा है? नहीं, जब हम लोगों को शिकायत मिलेगी तभी तो आएंगे हम लोग। ये क्या नकली है या फिर अंडर कटिंग माल? नहीं, ये नकली है। नकली माल है। पहचान कैसे होती है सर? पहचान ऊपर सब बारकोड है, स्टिकर है, कलर है डब्बे का, कई तरह का पहचान है उसमें। गरीब की रसोई पर सरकार का हमला, आम लोगों को महंगाई का झटका। दही पनीर लस्सी से लेकर आटा और मांस मछली तक कई चीजों के बढ़ाए गए दाम। आपको बता दें कि 18 जुलाई से बाजार का माहौल थोड़ा बदल गया है, क्योंकि 18 जुलाई से बहुत सी ऐसी चीज है जो महंगी हो गई है, जिनमें घरेलू सामानों, होटल्स, बैंक सर्विसेज समेत अन्य पर अधिक खर्च करना पड़ेगा और इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा। आपको रोजाना खाने पीने की चीज़ों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जिनमें घर घर इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों पर GST लगाया गया है। इनमें अनाज, दाल, आटा, छाछ, दही और पनीर जैसी चीज़ें भी शामिल है। इन चीज़ों पर पहली बार GST लगाया गया है। टेट्रा पैक्स पर GST 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। खाने पीने की कई चीज़ों पर सोमवार से GST लागू हो गया है। इनमें प्री पैकेज्ड अनाज, दाल, आटा, छाछ और दही, पनीर, ब्रेड जैसी चीज़ें शामिल हैं। घर घर में इस्तेमाल होने वाली इन आइटम्स को पहले GST के दायरे से बहार रखा गया था, लेकिन अब इन पर 5% GST लगाया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की जेब और ढीली हो सकती है। जानकारों की माने तो 5% GST लगाने के बाद इन चीज़ों की कीमत में 5-8% तक बढ़ोतरी हो सकती है। GST काउंसिल की हाल ही में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई चीज़ों पर GST लगाने का फैसला लिया गया था। ये दरें 18 जुलाई यानी कल से लागू हो गई है। जब इस बारे में हमने रीवा की जनता से चर्चा की तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो GST इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने 5% सारे जो फूड आइटम्स है उसमें, डेफिनेटली जो वो बेसिकली जो इफेक्ट डालेगा वो मिडिल सेक्शन में डालेगा, क्योंकि रिचर सेक्शन को महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
है ना, उनका जो कंजम्पशन है वो एज इट इज़ रहेगा। जो मिडिल सेक्शन है उनकी रसोई से लेके हर चीज़ पे बहुत इफेक्ट आने वाला है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली जो वो कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज़ को एट प्रेजेंट, कहीं ना कहीं उसमें डाउनफॉल आएगा। वो जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उनके बजट से बाहर होंगी क्योंकि महंगी होंगी वो सारी चीज़ें। आप दूध प्रोडक्ट से ले लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, बटर है, सब चीज़ ना गवर्नमेंट ने GST इम्पोज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मिडिल सेक्शन ज़्यादा सफरर होगा आई थिंक सो। विगत कई माह से वैसे ही महंगाई चरम पर थी, बाजार मंदी की जो मार झेल रहा है, जैसे कुछ चीज़ें छूटी हुई थी GST, दलहन वगैरह, दाल, अनाज पर, उस पर आज GST जोड़ के और महंगाई बढ़ेगी। और जो आम वस्तुएं हैं आम जन के लिए, उस पर GST लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं केंद्र शासन से अपील करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन पर GST नहीं लगा के उन पर छूट दी जाए और लोगों का जीवन सही से जी। सर मैं ये कहूँगी कि अभी तक तो हम लोग GST गाड़ी में, कपड़े में, ये इसमें सब में हम लोग दे रहे थे, पर अब खाने पीने में अगर लग जाएगी तो हम लोगों का घर परिवार कैसे चल पाएगा, कैसे आमदनी हो पाएगी? ऐसे तो नहीं हो पाएगी आमदनी। पर सरकार को यही निवेदन है हमारा कि ये सब चीज़ ना करे। हम लोग गाड़ी में दे रहे हैं, कपड़े में दे रहे हैं, सब चीज़ों में दे रहे हैं, जब खाने पीने में GST लगने लग जाएगी तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? घर परिवार हमारा चलेगा कैसे? नहीं चल पाएगा घर परिवार। फर्क पड़ेगा महंगाई, ये भी 5% आकर महंगाई तो बढ़ गई ना भाई, इसका असर तो पब्लिक पे पड़ता हुआ। ऑलरेडी इतनी महंगाई चल रही है हर चीज़ में, उसका असर तो पड़ता है हर चीज़ पे। रसोई में आटा दाल सबसे उपयोगी, हाँ उपयोगी चीज़ है। GST मतलब हर चीज़ में 5 रुपये किलो बढ़ गया रेट, तो उसका फर्क तो मार्केट में आएगा ही। ऑलरेडी जनता इतनी परेशान है महंगाई देख के, तो उसके लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार सोचना चाहिए इस बारे में। रीवा के रायपुर कचलियान में युवक की हत्या, तालाब के किनारे मिली युवक की लाश, सिर में चोट के निशान, एक दिन पूर्व शाम को घर से निकला था, दूसरे दिन सुबह गांव में ही मिली युवक की लाश। बता दें कि युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां युवक की लाश आज सुबह गांव में ही स्थित तालाब के किनारे लगे मोबाइल टावर के समीप पड़ी मिली है। मृतक के सिर में धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या मान रही है और पंचनामा कार्रवाई कर शव को PM करवा के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल मामला रीवा के रायपुर कचलियान थाना क्षेत्र स्थित लोहाद्वार गांव का है, जहां सुबह 20 वर्षीय युवक की लाश देखी गई। मृतक की पहचान ग्राम लोहाद्वार निवासी अंबिका पटेल, पिता राजमणि पटेल, उम्र 20 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक सोमवार की शाम घर से निकला था, जो रात भर घर वापस नहीं लौटा और आज सुबह उसकी लाश गांव में ही तालाब के किनारे लगे मोबाइल टावर के समीप पड़ी मिली है। गांव में युवक की लाश मिलने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच के आसपास का निरीक्षण किया। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जो धारदार हथियार के बताए गए हैं। फिलहाल ये पूरा मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और FSL टीम की भी मदद ली जा रही है। पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को PM के लिए अस्पताल भेजा है। युवक की हत्या किसने और क्यों की ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने फिलहाल मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। प्रस्तुत एक झलक। सावन के पहले सोमवार भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाल किया जल अर्पित। रीवा में बारिश का मागा वरदान। बता दें कि इन दिनों सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है, जिस कारण से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत दुबिया धाम से हजारों की संख्या में शिव भक्तों के द्वारा जल भरकर मंडफा शाहपुर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया। बता दें कि राम सुमन कुशवाहा और विजय कुशवाहा के द्वारा विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी 15 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ को हजारों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर जल अर्पित किया गया। इस दौरान कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था ग्रामीण के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें से बेरही गाँव में कांवड़ियों के लिए कन्हैया लाल शुक्ला के द्वारा जलपान की व्यवस्था करवाई गई। कांवड़ यात्रा में पूर्व विधायक कांग्रेस सुखेंद्र सिंह बन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिव शक्ति पथ कांवड़ यात्रा राम सुमन कुशवाहा जी की अगुवाई में दुबिया धाम से मंडपहा के लिए बोलबम का नारा लगाते हुए, बोलबम के मतलब भोले बाबा के, सावन के पहले सोमवार के दिन भोले बाबा को हम लोग जल
चढ़ाने के लिए मंडपहा आए, और इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रयास हम लोगों का ये है भोलेनाथ से, और भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना है हमारी कि इस बार जो हम लोग जल चढ़ाए हैं उससे भोलेनाथ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करें, जिससे पूरे हमारे विश्व का कल्याण है। जैसा कि आप सबको मालूम हो, विगत वर्ष पिछले वर्ष भी चतुर्भुज भगवान से लेकर के मंडपहा तक हमारे विजय कुशवाहा, भरत सोनी, गिरजा गुप्ता, नरेंद्र तिवारी जी, सभी रिंकू सिंह जी, सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे महाजन के और आपके खटखरी के सभी साथियों द्वारा पिछली बार भी ये कांवर यात्रा लेकर के यहाँ तक आई गई थी, और उसी कड़ी में आज भी यह कांवर यात्रा वहाँ से चल करके सभी साथियों ने इसको अच्छे तरीके से पूरा किया है। पिछली बार मैं भी पूरी तरह से पैदल आया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस इस वर्ष मैं इससे दूर रहा, अभी उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथियों का उत्साह है, और दूर दूर से हमारे कई गांवों के साथी इसमें, बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहन साथी इसमें शरीक हो रहे हैं, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि यह कांवर यात्रा एक बड़ा विशाल रूप लेगी। मैं यही भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ। क्या है कि हमने सदैव, जब मैं विधायक था तब भी या विधायक नहीं था तब भी, जब जब क्षेत्र में सूखा पड़ा है, सूखे की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं विधायक रहते एक बार सूखे का आंदोलन मैंने किया था, उस समय पूरा रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ था, और जो अभी परिस्थिति दिख रही है, जैसा कि बारिश का समय बहुत पहले हो चुका, अभी बारिश हुई नहीं है, और चुनाव चल रही थी, सूचना लगी थी, अभी आम जनमानस भी, अधिकारी कर्मचारी और सरकारें भी सभी जो है इस चुनाव में सम्मिलित थे, और मैं समझता हूं कि 2-4-10 दिन देखने के बाद मैं पूरे ताकत से सूखे की लड़ाई लड़ने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं भगवान भोलेनाथ से अनुनय विनय करना चाहता हूं, इस पदयात्रा के माध्यम से, कांवर यात्रा के माध्यम से अनुनय विनय करना चाहता हूं कि इतनी बारिश विंध्य में हो कि हमारा किसान खुशहाल हो, और इसके बाद अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके लिए फिर देखेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित बाल एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर केंद्रित महत्वाकांक्षी दस्तक अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। रीवा जिले में भी ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। 18 जुलाई से लेकर दिनांक 30 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। निराला नगर मलिन बस्ती स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप में अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ रीवा संभाग डॉक्टर प्रमोद पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर NN मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अर्पिता सिंह, क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समन्वयक अभय पांडे, अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर KB गौतम सहित अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर विटामिन ए का घोल पिलाया गया तथा उनकी जांच भी की गई, और साथ ही बच्चों को टीके भी लगाए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दस्तक अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, और इसकी केंद्र भूमिका में है बाल और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसको लेकर के सन 2019 से लगातार ये अभियान जारी है, और हर वर्ष हम लोग साल में 2 बार इसका संचालन करते हैं, एक जून जुलाई में, दूसरा दिसंबर और जनवरी में। इस वर्ष का अभियान जो है 2,74,000 0 से 5 साल तक के बच्चों को टारगेट बना करके रीवा ज़िले में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को विभिन्न बीमारियों के लिए उनकी पहचान करके, उनका उपचार करके, उनका प्रबंधन करके, उनका रेफरल करके, उनके जीवन रक्षा का उद्देश्य रखा गया है। पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा है जो ज़िले में कुपोषित बच्चे हैं उनकी घर घर जाकर के पहचान करना, और जो अति कुपोषित बच्चे हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको NRC में भर्ती करना, और जो अति कुपोषित हैं लेकिन बीमारी से पीड़ित नहीं हैं उनका घर पर उपचार करना, विटामिन ए सभी 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को देना। इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यह है कि दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा का भी समावेश ये दस्तक अभियान में किया गया है, जिसे आज 18 जुलाई से और 31 अगस्त तक हम लोग लगातार चलाएंगे। इसमें हमारी जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और ANM, ये घर घर जाती हैं, और जहाँ भी 5 वर्ष तक के बच्चे हैं हर बच्चे को एक ORS का पैकेट देती है, और यदि वो बच्चा
दस्त रोग से पीड़ित है तो उसको दो आर एस ये डायरिया में मौत की कमी आएगी क्या? डायरिया मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो डायरिया नियंत्रण और डायरिया से होने वाली जो अकाल मृत्यु है उसको रोकना। और चूँकि हितग्राही के घर पर ही ORS रहता है, जिंक रहता है, तो उसको समझाइश देना कि यदि आपके बच्चे को दस्त शुरू होता है तो आप तत्काल ORS देना शुरू कर दें। इसको बनाने की विधि का भी घर घर प्रदर्शन किया जाता है और हाथ धोने की प्रक्रिया से सबको अवगत कराया जाता है। एनीमिया का खोजबीन, उपचार, नियंत्रण, रेफरल भी इसका एक कदम है। और ऐसे बच्चे जो किसी वजह से टीकाकरण से छूट गए हैं उनको पहचानना और उनको टीकाकरण करना। साथ ही जो जन्मजात विकृति वाले बच्चे हैं जो दूर से दिखा जाता है, जैसे आँखों का भेंगापन और कटे होंठ, फटे तालू, पैरों का तिरछापन, जन्मजात बहरापन, इनकी पहचान करके उन बच्चों को रिफ़र करना और उनको समय रहते उपचार प्रदान करना जिससे वो अपना पूर्ण जीवन अच्छे से जी सकें। ये इस वर्ष के हमारे दस्तक अभियान के उद्देश्य हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।